संसदीय दल की आज बैठक होगी। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है, पीएम मोदी कर सकते हैं सांसदों को संबोधित। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। संसदीय दल की बैठक सुबह 9:30 बजे शुरू होगी। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हिस्सा लेंगे। बजट सत्र के बाद संसदीय दल की बैठक होगी। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, दिल्ली में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी, कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है ये बैठक? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, इसमें खास तौर पे बजट 2023 को लेकर बातें होने वाली है। और जिस तरीके से विपक्ष सदन में लगातार हंगामा करके सदन की कार्यवाही को स्थगित कर रहा है, अडानी के मुद्दे पर लगातार बात करना चाह रहा है, अडानी के मुद्दे पर लगातार जोरदार हंगामा दोनों सदन में हो रहा है, बजट पर जो है लगातार बातें चल रही है, उसको लेकर एक चर्चा बनेगी। किस प्रकार से विपक्ष के हंगामे के बावजूद एक ऐसी रणनीति बनाई जाए ताकि सदन की कार्यवाही को पूरी तरीके से सुचारू रूप से संपन्न भी कराया जाए। इसके बाद इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये बैठक होगी, जिसमें उनका मार्गदर्शन पार्टी के सांसदों को भी मिलेगा कि आगामी लोकसभा चुनाव जो 2024 है उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, और उसके पहले जो है जो 9 विधानसभा राज्यों के चुनाव है उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, एक जो सांसद है उनके लिए एक मार्गदर्शन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और जो पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी है उनका। अगर बात की जाए कि बजट 2023-24 में अन्य इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। मयूरी जी, विवेक, विपक्ष पूरी तरह से तैयार है हंगामे के लिए और आज संसदीय दल की बीजेपी की बैठक है, तो इसको इनसे निपटने के लिए क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से लगातार 2 दिन से विपक्ष दोनों सदनों में कार्यवाही स्थगित करा रहा है, हंगामे को लेकर लगातार जोरदार हंगामा हो रहा है, अडानी के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा जा रहा है, जवाब तलब किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि एसबीआई और आईसी में अडानी समूह की बड़ी हिस्सेदारी है, जिसके बाद से हिडन की रिपोर्ट आने के बाद से जो भारतीय निवेशक है, जो मध्यवर्गीय परिवार है जिन्होंने अडानी ग्रुप में निवेश किया हुआ है, एलआईसी में निवेश किया गया है, उन निवेशकों पर पैसे फंसित नहीं है, लगातार विपक्ष बात उठा रहा है और सदन की कार्रवाई इसी तरह लगातार 2 दिन से इसी मुद्दे पर स्थगित हो रही है। तो ये जो आज बैठक है पीएमसी की बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि इसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, और जानते हैं कि किस प्रकार से आने वाले समय में 2024 का चुनाव है, तो जो सांसद है उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनको कुछ गुरुमंत्र दे सकते हैं, कोई चीज दे सकते हैं, इसके अलावा ऐसे रणनीति पर विचार हो सकता है कि विपक्ष के हंगामे के बाद भी जो कार्रवाई है सदन की वो स्थगित ना हो, वो रुके ना हो, सुचारू रूप से कराई जाए। इसके अलावा बजट के मुद्दे पर लगातार बात हो सकती है, और तमाम कई मुद्दे हैं जिसको प्रधानमंत्री सांसदों का ध्यान आकर्षित करा सकते हैं, उनका मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। मयूरी जी, धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। सफर महंगा होगा, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब दिल्ली के लिए देना होगा 132 रुपए से ज्यादा का किराया। रोडवेज बसों का किराया बढ़ा है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोडवेज में यात्रा करने पर प्रति किलोमीटर 25 पैसे महंगा होगा। किराया की बढ़त से परिवहन को 30 करोड़ सालाना फायदा होगा। आज से रोडवेज बसों का सफर महंगा होगा, लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। अब दिल्ली के लिए 132 रुपए से ज्यादा का किराया देना होगा। रोडवेज में यात्रा करने पर प्रति किलोमीटर 25 पैसे महंगा होगा। किराए की बढ़त से परिवहन को 30 करोड़ सालाना फायदा होगा। इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, लखनऊ में आज से रोडवेज बसों का सफर महंगा हो रहा है, क्या वजह है इस तरह से किराए का बढ़ना? देखिए मयूरी, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने अभी 2012 से जो किराए में बढ़ोतरी किया था वो 4 पैसे से शुरुआत हुई थी,
और 4 पैसे, 7 पैसे, 9 पैसे, 10 पैसे तक बढ़ोतरी की गई थी। अभी पिछले 3 सालों में रोडवेज का किराया नहीं बढ़ाया गया था। तो जो परिवहन विभाग के MD हैं संजय कुमार, उनकी तरफ से ये दलील दी गई है कि कहीं ना कहीं परिवहन विभाग को घाटा लग रहा है, मुनाफे में नहीं है परिवहन विभाग, जिसकी वजह से ये परिवहन निगम ने शासन को यह प्रस्ताव भेजा था कि 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराए में बढ़ोतरी की जाए। इसको लेकर के राज्य सड़क प्राधिकरण के जो अध्यक्ष है वेंकटेश्वर लू, उन्होंने ये दरें रात 12 बजे से लागू कर दी हैं। यानी पहले जो किराया परिवहन विभाग का जो साधारण बसों में जो किराया पड़ता था वो 1.05 रुपए प्रति किलोमीटर प्रति यात्री पड़ता था, अब जो 25 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ाया गया है तो अब वो बढ़कर कर 1.30 रुपए प्रति किलोमीटर के दर से ये किराया रात 12 बजे से ही लागू कर दिया गया है। जो सामने दलीलें आई हैं वो उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि जो साधारण बसें हैं उनमें किराया साफ तौर पर सिर्फ इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्व को बहुत भारी नुकसान हो रहा था, परिवहन विभाग को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। लगभग 210 करोड़ रुपए का नुकसान पिछले वर्ष में 9 महीनों में ही हो चुका है। यह अनुमान भी लगाया जा रहा था कि यह आंकड़ा करीब 250 करोड़ रुपए तक का ये घाटा पहुंच सकता है, जिसके लिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई। रितेश, अभी हाल ही में बजट पेश हुआ है, वहीं लगातार महंगाई की मार भी देखने को मिल रही है। अभी दूध के दाम बढ़े या बसों का इस तरह किराया बढ़ जाना, लोगों को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए मयूरी, बिल्कुल सही बात कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई की मार हर चीज पर, चाहे वह राशन हो, चाहे वह तेल हो, या कोई खाद्य पदार्थ हो, या दूध हो, जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसमें भी कहीं ना कहीं इजाफा हो रहा है, लगातार दाम में बढ़ोतरी हो रही है, चाहे वह ईंधन से लेकर के हो या LPG गैस से लेकर के हो। तो कहीं ना कहीं जो जनता है, जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सफर भी महंगा कर देना यह भी कहीं ना कहीं जो यात्री हैं या जो जनता है उनके लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। खैर मैं आपको बता दूं, अगर लखनऊ से गोरखपुर की यात्रा 302 किलोमीटर की है, अगर उसको देखा जाए तो 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से लगभग 75 रुपए की बढ़ोतरी, यानी अब उसमें 75 रुपए आपको और जोड़ना होगा, जो भी किराया पड़ता था लगभग 452 रुपए किराया हो जाएगा, और पहले लगभग 360-365 रुपए किराया पड़ता था। तो कहीं ना कहीं 25 पैसे ही नहीं बढ़े हैं, अगर उसको किलोमीटर में विभाजित किया जाए तो 300 से 400 किलोमीटर का जो सफर होगा उसमें 75 से और 100 रुपए तक की बढ़ोतरी यात्रियों को जेब ढीली करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं अब ये बड़ी बात है, और जो समस्याएं बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और कमाई का साधन नहीं हो रहा है, सरकार कभी किसी तरीके की जो बजट पेश किया उसमें कहीं भी अभी नौकरियों का कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो ऐसे में बहुत समस्याएं आनी है। फिलहाल अभी जो किराए की बढ़ोतरी की बात की गई है वो परिवहन विभाग ने अपने घाटे का हवाला देते हुए 25 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से यात्रियों पर महंगाई की मार थोप दी है। जी धन्यवाद रितेश, तमाम जानकारियों के लिए, आगे भी हमारे साथ बने रहिएगा। हाँ क्यों सर, व्हाट्सएप के जरिए बुक करें भोजन, बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। ट्रेन में व्हाट्सएप के जरिए मंगा सकते हैं खाना, बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। सफर के दौरान खाना बुक कर सकते हैं। IRTCTC के जरिए व्हाट्सएप नंबर क्या? 100% लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, एक अच्छी पहल की जा रही है, व्हाट्सएप के जरिए आप खाना बुक कर सकते हैं। जी मयूरी, मैं आपको बता दूं कि अब जो ट्रेन में जो यात्री सफर करेंगे उनके लिए IRCTC ने एक नया फीचर लॉन्च किया है। उस फीचर के जरिए अब यात्री
अपना मनपसंद खाना उस ट्रेन में बुक करा सकेंगे। और व्हाट्सएप के जरिए एक नंबर दिया गया है, जो व्हाट्सएप का नंबर है उस नंबर पर कॉल करके उस नंबर पर सारी डिटेल्स को फिल करके और वो अब अपना मनपसंद खाना IRCTC के माध्यम से ट्रेन में सफर के दौरान मंगा सकेंगे। ये दिक्कत होती थी अक्सर, जब ट्रेन कभी रुकती थी तो लोगों को शुद्ध खाने का शुद्ध भोजन नहीं मिल पाता था, ऐसे में कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न होती थी, लोगों की ट्रेनें भी छूट जाया करती थी। क्योंकि अब सबसे बड़ी समस्या जो थी IRCTC में खाने को लेकर के बड़ी अनियमितताएं सामने आई थी, उसको लेकर के केंद्र सरकार बहुत सख्त हुई है। अब IRCTC ने ये नई पहल किया है और नया फीचर लॉन्च किया है, जिसके तहत यात्री अब सुखद यात्रा भी कर पाएंगे और स्वच्छ और साफ भोजन भी प्राप्त कर सकेंगे सिर्फ एक व्हाट्सएप के माध्यम से। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। डॉक्टर स्टाफ की छुट्टी 16 फरवरी तक निरस्त, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। 200 डॉक्टर्स की टीम GIS G20 का जिम्मा संभालेगी। डॉक्टरों की छुट्टी निरस्त की गई है। इन्वेस्टर समिट G20 के मेहमानों की सेहत का जिम्मा दिया गया है। CMO के अधीन डॉक्टरों स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां निरस्त की गई हैं। विशेष परिस्थितियों में अफसरों की अनुमति से छुट्टी मिलेगी। 90 डॉक्टर 90 पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी तय की गई है। अमौसी एयरपोर्ट पर भी डॉक्टरों की ड्यूटी रहेगी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।